तुम्हारा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, तुम सब कुछ हासिल करना चाहती हो, समझती हूँ मैं, इसीलिए शायद तुम अपने बॉस को इस्तेमाल कर रही हो। तुम हद पार कर रही हो। जानती हो तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ना तुम उसके जैसे बन सकती हो और ना ही वो तुम्हारे लिए गिर सकता है। बेहतर है तुम भूल जाओ दमीर को, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, ठीक है? अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। मुझे भी अपने वालिदैन का साथ नहीं मिल सका। मैं जानता हूँ माँ बाप के बगैर जीना कैसा होता है, मगर उन रुकावटों के बावजूद भी तुम एक बहादुर, हिम्मत वाले और ईमानदार इंसान हो। शुक्रिया। तुम्हारे माँ बाप को तुम पर फख्र होगा। सीलिन का क्रश हो तुम सालों से। हो सकता है दोस्त की तरह वो मुझे पसंद करती हो, लेकिन क्रश होना बहुत ही मुश्किल है उसका मुझ पर। इसके पीछे सीलिन ही है। एक ऐसी बात है जो उसने मुझसे छुपाई हुई थी, और जब मुझे उसने सच बताया तो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन खैर मुझे अब आदत हो गई इस सबकी। ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? तुम इतने हैंडसम इंसान हो और वो कोई दुनिया की आखिरी औरत नहीं है। आखिरी होती भी तो क्या कर लेता। हाँ मैं सब जानता हूँ, सलीन नहीं है। कैसे नहीं? एहसन का क्या हुआ, इंतजाम हुआ क्या? आज वो कंपनी में धमाकेदार एंट्री करेगी। चलो हम देखते हैं।